नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है, और आज का हाल है दिखाने के लिए मैं मौजूद हूं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में। यहां से विधायक हैं भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, जो कि लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और दक्षिण विधानसभा में ही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, जैसा वो सभी विधानसभाओं में कर रहे हैं। दक्षिण विधानसभा में भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम वो कर रहे हैं, तो यहाँ से आज जानेंगे कि हाल क्या है, यहाँ के लोग जो है अपने विधायक से कितने खुश हैं, सरकार के कामकाज पर उनका क्या कहना है, और वो विधानसभा के विकास को किस रूप में देखते हैं। आपको दिखा रहा हूँ दक्षिण विधानसभा से हाल का है, तो कहाँ रही थो मैं कटगी कटगी कहाँ कटगी आने कसडोल थाना, ये तो दक्षिण विधानसभा के आओ तो दक्षिण विधानसभा और रायपुर के अमोर कसडोल विधानसभा पर थे, वहाँ तो सीएम गेरी से मैं वहाँ दे रहे हैं एप्लीकेशन 4 महीना पहली 22-12 के, तो वहाँ कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तब फिर से मैं सुने यहाँ है रायपुर में, फिर देहे पर मैं यहाँ आए हैं, यहाँ मिले पर हाँ मिले पर आए हैं। क्या हाल है? टूरी हटरी को जोड़ा, हाल तो सब ठीक है, परेशान हम काय करें, पटवारी तहसीलदार सब से मिल मिल के थक गए हुए, कोई कार्रवाई करवे नहीं करे। हाँ आप मैं रायपुर में रहता हूँ सर, तेलीबांधा में, मोर तेलीबांधा तो उत्तर विधानसभा में आते, मोर जीवन बीत गया है 40 साल हो गए बोला, और मोर गाँव है पे केरामुड़ा कोमा खान मादगुड़ा महासमुंद जिला है, बागबाहरा तहसील पड़ थे, और 35 एकड़ के मिसलरी गार्ड है मोर पास, 40 डिसमिल के रिंग पुस्ती का है सर, वो मैं मोला देत नहीं है मोर जमीन ला, मोर गांव वाला मन पूरा कस्त काबिज करके रखे है। वहाँ भेंट मुलाकात नहीं हुई? नहीं, वहाँ गए सर, मैं 5 साल से घूमा था सर, मोर थाना वाला घोना बहरा थाना वाला मन घुमा है मोला। सीएम से उम्मीद है? सीएम से उम्मीद है सर, लेकिन आप कहाँ रहते हो? मैं बेमेताल विधानसभा के ग्राम पिंडरी में रहता हूँ। यहाँ किसे आ गए? यहाँ और बड़े मम्मी के, मोर मम्मी की तबीयत खराब है, उनका लीवर जो है खराब हो चुके हैं, तो पर ट्रांसप्लांट करना है करके लीवर ट्रांसप्लांट, तो बेमेतरा के तो मोर मम्मी की तबीयत तो खराब अभी हो ना। हाँ, तो मैं कब बोला डॉक्टर मन 25 लाख रुपए के आसपास खर्चा बताया मैं, तो हमार गरीब आदमी से मतलब गरीब आदमी है रन, तो सरकार के योजना है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, वो 20 लाख तक के अनुदान है, एक अलावा आयुष्मान भी है, हाँ खूबचंद बघेल सहायता योजना भी, वो मैं सब फार्म हम भरे को नहीं, फार्म हम तो नहीं भरे साहब, अभी अभी हम हॉस्पिटल में गए ना, हाँ। तो डॉक्टर बोली थी कि इमरजेंसी हालत में बोला जितना जल्दी हो सके कि लीवर अगर ट्रांसप्लांट होता है तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर हम वो हमारे ये तो वो कार्ड नहीं है आपके पास, स्मार्ट कार्ड आयुष्मान भारत या खूबचंद बघेल? अब स्मार्ट कार्ड का रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कल के डेट में घेरे ना, तो बोली से भाई कि एक बार इस मंदिर की स्थापना महंत क्या बोली से रामकृष्ण वाली ने की है, क्या बोली अस्पताल वाले को ट्रांसफर करना पड़ेगा, बोली से जितना जल्दी है जितना जल्दी हो सके लीवर का आप कहीं दूरी पर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है तो एक बार देख लीजिए करके, तो हमें अभी तक मिला नहीं है सर। विधायक से नहीं मिले पाकिस्तानी? विधायक से सर आज जाबो करके सोचे रहे, लेकिन आज अचानक से पता चली इसकी यहाँ पे भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में करके। कहाँ रहते हैं आप? फोटो की चाल ये रायपुर में हम लोग कर्मचारी हैं सर। कर्मचारी हैं आप लोग भी मिलने आए कि ड्यूटी लगी? ड्यूटी लगी है। अच्छा, सारे कर्मचारी हैं आप लोग? सब कर्मचारी हैं। खुश है सरकार से? मांग पूरी हुई कि नहीं हुई? अपने को जो भी सरकार रहे अपने को क्या करना है, नहीं आप लोगों की जो डीए वीए एचआरए वगैरह की सब मांग हो गई पूरी? हाँ सब ठीक चल रही है। ये सब सारे कर्मचारी हैं। चलिए आइए कुछ जो है आम लोगों के पास चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं। आप लोग इसी विधानसभा के हैं? योजना एवं हाँ हम लोग इसी विधानसभा। अच्छा, क्या हाल है आपके दक्षिण का? ठीक है, बढ़िया है। सुझाव लेंगे बृजमोहन अग्रवाल जी का काम ठीक है, और लेकिन हम लोग मोहल्ले में समस्या मोहल्ले की समस्या लेके हम लोग आए हैं, हम लोग नाली और रोड की बहुत बड़ी समस्या। कहाँ पे कौन सा मोहल्ला? ये हमारा परशुराम नगर, परशुराम नगर जी, महामंबी वहाँ। बृजमोहन जी तो लंबे समय से जीत रहे हैं, कुछ नहीं किया? नहीं नहीं काम तो किए हैं, जो हम लोग का एरिया है उसको छोड़ दिया गया है, बाकी अगर बल दिया हुआ है। अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं हम लोग का एरिया को भी किया जाए। सरकार का काम कैसा है? सरकार का काम अच्छा है, बढ़िया काम है। क्या अच्छा नहीं है? कुछ अच्छा नहीं है बोलने से क्या बोला जाएगा, हम लोग आए हैं सिर्फ नाली के लिए आए हैं,
नाली के लिए बात करने के लिए आए, नाली हमारा काम नहीं हुआ है करके। तो नगर निगम से कुछ मदद नहीं मिली, जल शुद्धि थोड़ा सा कम पड़ रहा पैसा उसमें, निर्माण किया गया है उसी के लिए आए हैं। उस आप कहाँ रहते हैं? परशुराम नगर में। परशुराम नगर में, अच्छा क्या करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक की सरकारी बैंक। वेस्ट वाटर प्लांट कैसा देख रहे हैं सर, दक्षिण विधानसभा का डेवलपमेंट? नहीं, बाकी तो सब ठीक है डेवलपमेंट। हमारे जो परशुराम नगर में वार्ड की स्थिति खराब है अभी, हमारे नाली रोड की समस्या बहुत है। खाली हम लोग नाली के पानी से अपना घर जाते हैं, नाली और रोड बहुत जरूरी है। बाकी सरकार के काम बढ़िया है, मुख्यमंत्री के काम बढ़िया है, अधिकारी को थोड़ा कुछ बोलना कर वहाँ के काम को स्पष्ट कराना है। वहाँ नाली की समस्या बहुत है, नाली का पानी ऊपर आ रहा है, पानी को छोड़कर उसके घर में अंदर जा रहे हैं। हम लोग 5 साल से परेशान है नाली की समस्या का, जलागारों से परेशान है। आप भी वहीं के रहने वाले? मैं भी वहीं का। आसानी से। अच्छा, विकास कितना हुआ है आपके दक्षिण में? पूर्ति की जा सके दक्षिण में का? तो विकास जो भी हुआ है, लेकिन अभी हमारे विकास से हम बहुत परेशान हैं। पूरा जो नाली का निकासी है नहीं, तो उसमें जो पानी जमा हो रहा है उसमें मलेरिया मच्छर डेंगू मच्छर अभी मच्छर अभी इतना मच्छर आने लग गया है, 2 महीने में वहाँ बीमारी चालू हो जाएगी। आइए दिखाते हैं हाल क्या है। कुछ महिलाएं जो आई हैं अलग अलग कारी तो दाई बजरंगल आ हूँ। बजरंगल? अच्छा, यहाँ कैसे आए हो? सरकार की योजना का लाभ मिलते हैं? कुछ नहीं, बेचो घर हम रहते, घर नहीं है, निराशित होते बस। निराशित मिलते? अच्छा, विकास का हो है तो मोहल्ला में? मोहल्ला में कुछ नहीं, वो दूसरा मोहल्ला के आदमी से बुला के नानी से होने वाला है, कुछ नहीं हो है। योजना आज कहाँ रही थो? कौन पारा में? टिकरा पारा में के मोबाइल वैन। विधायक कौन है? यहाँ आपके ये जाल ढेबर बोलना घर की दहलीज पर विधायक आपको निःशुल्क हुई विधायक? नहीं नहीं नहीं, चिकित्सा कौन है विधायक? विधायक कौन है? वह निःशुल्क दवाओं की सुविधा सुलभ कराती है। वही श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर दवाओं का होने वाले व्यय को विधायक कौन है पता है कि नहीं? कम कर बच्चे लोग को पता होगा, हम लोग को पता नहीं है। वोट तो डालते हैं आप लोग सब जो है परिस्थिति को वोट तो डालते हैं। सुनियोजित और नियंत्रित। अरे आप सब दक्षिण विधानसभा के हैं ये पता है कि नहीं? दक्षिण विधानसभा है ना? हाँ, कौन है दीदी? ब्रिजमोहन अग्रवाल। शहर के भीतर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का काम इस समय अच्छा है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की क्या क्या हुआ है? टिकरा पार दुकानें संचालित है ना, और सबको बढ़िया मकान बना रहे, पैसा वैसा भेजवा रहे, लान रहे, मकान बन रहे टिकरा पारा में, बहुत बना है मकान लगभग। और सरकार के काम 72% तक की यहाँ काकर से मिले काकर से दर पर ये दवाएं सुलभ होती है। बघेल भूपेश बघेल टीका में सब सुविधा हो जाए। सुविधा क्या नहीं है अभी? सुविधा नहीं, बहुत कम आ रहा है भैया टिकरा पारा में, वही सुविधा चाहिए और क्या। एक दिन तो दीक्षित गली में भूपेश बघेल झांकी मारने नहीं जाते हैं। ब्रिजमोहन जी जाते हैं क्या? ब्रिजमोहन अग्रवाल जाते हैं, देखने नहीं जाते हैं। वो विधायक ने कुछ नहीं किया है? विधायक ने किया है कि नहीं किया? वो भी कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, मगर फिर भी एक दिन जाना चाहिए ना। बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लोगों का जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें को बहुत परेशानी हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र? हाँ, बहुत परेशानी हो रहा है। स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत दिक्कत जा रहा है। गरीब लोग क्या है, ज्यादा पैसा देके कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, समझे। सरकारी में बहुत कम एडमिशन होता है। जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा है उसके मन होता है, और गरीब लोग के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। कह रही परिवारों को आवाज दिया है, उसका किस्त नहीं मिला है अभी तक, 2 साल हो गया है। हाँ, हम नहीं मिले है पैसा भी है, के किस्त की बातें नहीं है। बाबू क्या करते? मैं पढ़ाई करती हूँ 12वीं का, इतना पढ़े हम लोग पूरा फैमिली, लेकिन जाति प्रमाण नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। 50 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या मांग? 50 साल का रिकॉर्ड चाहिए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है हम लोग के पास, इसलिए हम लोग पढ़ाई करने के बहुत ज्यादा। आप लोग जो है अपने स्थानीय विधायक से मिले? नहीं नहीं, हम लोग का भी मौका भी मिला नहीं। विधायक कौन है? विधायक आपके आपके विधायक कौन है? नहीं पता, नहीं जानते।
मोहल्ले का नहीं होता है, विधायक तो विधानसभा का होता है। विधानसभा क्षेत्र जो है आप लोग को तो पढ़े हैं ना, बारहवीं पढ़े हैं आप लोग को तो पता होगा आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये कौन सा विधानसभा है? रायपुर, रायपुर दक्षिण नहीं, धरसीवा। आप लोग धरसीवा के हैं? नहीं यहीं के हैं, बोरिया खुर्द के। बोरिया खुर्द के हैं? बोरिया खुर्द में तो कल गए थे सीएम साहब। हाँ गए थे ना, वहाँ मुलाकात नहीं हुई? नहीं, हम लोग फर्स्ट समय आए हैं यहाँ, नगर निगम से आए हम लोग, इसलिए तो वही चाहते हैं बस उसी के लिए हम लोग आए हैं। रायपुर ले कौन सा मोहल्ला मृतो? मठपारा। तारीख बताएंगे कहा ले आपके मठपारा के, आपसे आपके घर पर कहा ले मठपारा के दस्तावेजों का संकलन कर मठपारा दर्शन। विकास वगैरह कैसे वहाँ आपके द्वारा? अभी सड़क नली बने हैं, आपको नहीं बने नली घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। क्या क्या काम है आप लोगों के पास अभी? अभी तो कुछ काम नहीं, पूरे देश में नहीं है अभी, नया बना है समूह। कब बना? एक साल हो गया। परंपरागत तो एक साल में क्या किया है आप लोगों ने समूह के आगे बढ़ाने का? मतलब आने जाने का बस रहता है, हम लोगों को तो अभी तक काम नहीं दिए हैं। एक सशक्त माध्यम आपके इलाके में गौठान वगैरह है? गौठान बनकर हाँ है, गोकुल नगर में आई है। वहाँ पे कुछ काम आप लोगों को नहीं दिया है? नहीं दिया। आपके इलाके में विकास वगैरह कैसा है? विकास कैसा है? ठीक है। इस योजना के तहत विधायक जी आते हैं? हाँ आते हैं। कौन है विधायक? ब्रिज मोहन, हमारे एरिया का ब्रिज मोहन है। यहाँ किस लिए आए? पालकों से ये जो भेंट करने के लिए भूपेश भैया से किया जाता है। तो ये दक्षिण विधानसभा के युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि भाई इनके इलाके में हाल क्या है। कहाँ रहते हैं आप? मठपुरैना। मठपुरैना में कैसा है डेवलपमेंट, पहले के मुकाबले कितना हुआ है? पहले के मुकाबले ठीक है, थोड़ा सड़क वड़क बना है। पहले सड़क नहीं बना हुआ था ठीक से, सड़क में मतलब ज्यादा दिक्कत था, वही सड़क बना है, बार बार खोद जाना फिर बन जाना फिर खोद जाना। पाइपलाइन अभी अच्छा हुआ कि जो पाइपलाइन नहीं हुआ था वो पाइपलाइन हुआ है, तो थोड़ा ठीक है, पहले से प्रोग्रेस ठीक है। शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या काम हुआ है आपके इलाके? शिक्षा के लिए ये हुआ है कि जो नया स्कूल खुला है ना इंग्लिश मीडियम, उसमें थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते थे और नहीं जा पा रहे थे, उनको दिक्कत हो रहा था, उनके लिए थोड़ा ठीक हुआ कि वो जा पा रहे हैं अभी स्कूल। और थोड़ा सा ये है कि स्कूल और बड़ा हो ताकि और बच्चे जाके पढ़ सके, अभी जितना है उस। विधायक जी का काम कैसा है? विधायक जी तो आते नहीं है तो अपन बोल नहीं सकते कि काम कैसा है, मिले नहीं है कभी उनसे, चुनाव के बाद से नहीं मिले। नहीं नहीं। क्या हुआ है, विधायक ने क्या किया है? आना जाना ही नहीं हो, क्या बोले, मुलाकात ही नहीं हुई है उनसे कभी। इस बार क्या संभावना है? 23 में तो फिर चुनाव है 6 महीने। अब देखो ये उनका प्रचार प्रसार क्या कहता है, उनका मेहनत क्या कहता है। आपके इलाके में जो मांगे आप लोगों की थी वो पूरी हुई कि नहीं? हाँ पूरी हुई है ना, कुछ चीज़ों के लिए काम चल रही है, जैसे तालाबें हैं, छोटे छोटे तालाब है उसमें सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, नाली वगैरह का काम चल रहा है। कितनी बदली है पुरैना की तस्वीर जी? पुरैना कितना बदला है? मैं भाटा गाँव में रहता हूँ। आप भाटा गाँव, तो वहाँ पे तो ज्यादा डेवलपमेंट दिखता है मुझे लग रहा है भाटा गाँव में। डेवलपमेंट तो हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है जी। और अभी जो जैसे भाई ने बताया तालाब सौंदर्यीकरण भाटा गाँव का भी अच्छे से किया गया है, बस थोड़ा सा दिक्कत है रोड वगैरह का, रोड अगर चौड़ीकरण हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। विधायक जी को कितना नंबर देंगे काम काज? आप कहाँ रहते हैं भाई? मैं सर मठपुरैना ग्राम में रहता हूँ। अच्छा, कैसा है डेवलपमेंट जी सर? विकास कैसा है? विकास बहुत अच्छा है सर, इनके द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं शासन के द्वारा जो चल रही है वो आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छी है। पहले हम देखते थे कि इसे नियमितकरण निकला हुआ है या बहुत सारी योजनाएं जैसे कि आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, इसके लिए हमें कार्यालय जाना पड़ता था, सुबह से रात तक चक्कर काटने पड़ते थे तब जाके बनते थे। तो शासन के द्वारा भी जो योजनाएं चल रही बहुत अच्छी हैं, जैसे रेगुलेशन का काम आया, नक्शा पास पहले 2 से 3 महीने लगता था और अभी इन्होंने निवास पास चालू किया है तो उसमें 3 से 4 दिन में ही नक्शा पास मिल जाता है। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूं सर। प्राइवेट जॉब करते हैं? अरे कहाँ रही तुम? मठपुरैना शिव नगर। कैसे आए हो यहाँ? यहाँ है अब ला है तो यहाँ मतलब निराशी और राशन कार्ड के बारे में, तो निराशी तो मिलते है राशन कार्ड में 10 किलो चावल मिलते तो बोले 35 किलो कराना। एक आदमी 35 किलो कहाँ दी?
तब विधवा पेम नहीं दी अकेला में मिलता है एक अंत्योदय कार्ड में मिलता है 35 किलो दस कवर देते वो नहीं करवाए होंगे इसलिए नहीं मिला है ना। अब परिवार में अपन चले गए अपन अलग बना के अपन बाल बच्चा में अब 6 कारण में उतने चावल तो 5-6 बजे तो अपन बना ली। अभी 10 किलो मिलते और 10 किलो मिलते और 10 किलो में कितना जन खाऊ मैं खाऊं कि सगा सो दल खवाऊं तो 35 किलो मिलना चाहिए। अभी यही सीएम साहब है तो ओला खवाओ है वो बासी खवाओ ओला तो बासी खवाओ हाँ दाल की चटनी से बासी नहीं खवाओ बेटा खातन भी एक मई के मनाते बोरे बासी दिवस। अच्छा एक मई के ठीक है। विधायक जी के काम किसे सब अच्छा है कौन है विधायक बीज मोहन आते हैं कि नहीं आते आपके मोहल्ले आते सब आते बहुत आते क्यों बेल जीत डरे ना हमारे ये बार का हो ही अब भगवान है वे मालिक। अच्छा बताओ कहाँ ले आए हो हम वहाँ से आए ये क्या नाम है संजय नगर बकरा मार्ग संजय नगर से हाँ संजय नगर बकरा मार्केट के सामने। अच्छा क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं जो हमको निराशी मिल रही है तुम लोग को ढंग से मिले ना ये 350 रुपट्टी मिलती है वो भी चक्कर लगाते रहो मिला नहीं मिला चक्कर ही काटती रहती हूँ चक्कर ही काटते रहते हाँ ये पैर हमारे चलते नहीं हम तो वैसे ही बीमार हैं। तो पार्षद जी या विधायक जी उनके पास या निगम में हम गए पार्षद के पास भी गए तो मैं 5-6 महीने हो गए जब एक दफ़े मिला वहाँ पर वो भी निगम से हम फ़ोन नंबर लेके आए थे उनका तो वो फ़ोन करा तब बोला कि हाँ 9 तारीख को आ रहे हैं होली से पहले और जब कहने का होली के बाद आना फिर होली पड़ गई होली के बाद पड़ गई 9 तारीख संडे की तो वो गए तो वो चक्कर काट के आ गए सिर्फ चक्कर ही काट रहे हैं हाँ मिलते ही नहीं है पैसे मिल जाता है जैसे पहले मिलना था जो निगम में तो वैसे अब नहीं मिलता आज आई। विधायक जी का काम कैसा है वो तो वैसे ही है जैसे लोग बता रहे हैं आप भी बता दो वैसे ही है जैसे लोग सब बता रहे हैं कि मोहल्ले के हैं हम लोग। कहाँ रहती हैं संत दुर्गा मंदिर। अच्छा क्यों आई है निराशी वाले लोग को बुलाया है ना इसलिए तो अभी आपको मिल रहे हैं हाँ मिल रहे हैं 350 मिलते हैं पैसा और 35 किलो चावल बस यही कहने के आए थे मेरा घर छोटा सा है टूटा फूटा है उसको बनाने के लिए थोड़ा हेल्प कर देते सर। अभी सर्वे चल रहा है उसमें आपने नाम जुड़वाया नहीं जुड़ा सर्वे आपके तरफ नहीं आया सर्वे नहीं आया उधर नहीं आया आप नहीं आया अभी 30 अप्रैल तक है अभी तो सर्वे चल रहा है 30 अप्रैल तो अभी हमारे घर तो अपने आए हैं ना नहीं मेरा घर पट्टा नहीं मिला नहीं मिला पट्टा नगर निगम टेस्ट पड़ता है नगर निगम टेस्ट पड़ता है पट्टा नहीं मिला है और पेंशन राशि मिलता है बराबर से हाँ इसमें क्या है जो विवाह लोग हैं जिसका औरत खत्म हो गया है एकदम लाचार है बाल बच्चे हैं इनको कैसे पोषण पालन करने के लिए मुख्यमंत्री से सहायता मिलना चाहिए तो उसी कारण से आज हमको यहाँ पर भेंट करने के लिए बुलाया गया तो हम यहाँ आए हैं। तो आप देख रहे थे दक्षिण विधानसभा का हाल का है। ज़्यादातर लोगों को तो अपने विधायक के बारे में भी पता नहीं है वो होता ही अक्सर है कि विधानसभा जब चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं प्रचार के लिए और उसके बाद जो है उनसे मिलना जुलना बंद हो जाता है तो जनता भूल भी जाती है कि उनके जो है स्थानीय विधायक कौन है। लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ पे विकास कितना हुआ है विकास तो हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है। उम्मीद है कि सरकार कुछ बेहतर करेगी। आज के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।